गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल ताकिश वर्मा ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मजे में होंगे, मजा कर रहे होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज का सारा घाट। ये देखिए, बोलते हैं कसारा घाट जिसको बोलते हैं, और जो कि काफी चढ़ाई है यहाँ पे, आप लोग देखते जाइए। आज मैं आपको दिखाता हूँ कसारा घाट। हाँ जी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ प्रीतमपुर लुपिन मेडिसिन की कंपनी में मेडिसिन भरने, और ये देख सकते हैं अभी कसारा घाट पे पहुँचा हूँ। तो आज मैं मूड में आया कि आज क्यों ना आप लोगों को कसारा घाट दिखा देता हूँ, किस तरीके घाट पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं। ये काफ़ी चढ़ाई रहती है, तो चढ़ाई पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चढ़ती है। जो गाड़ी लोड रहेगी वो देखिएगा लेफ्ट साइड में रहेंगी, और जो खाली गाड़ी रहेंगी वो राइट साइड से निकलती रहेंगी। जाप जाइए तो हरी मार। सॉरी सॉरी भाई। देखिए एक गाड़ी वाला आ गया भाई, देखो ये रॉन्ग साइड जा रहा है, अभी क्या करें इसका है? जो रोड बना हुआ है तो सीधे रास्ते जाओ। अब इस चढ़ाई का रोड है, इस पे आदमी पिकअप बना के पूरा चढ़ता है तो गाड़ी चढ़ती है, है? अभी आप देख सकते हैं, अभी दिख नहीं पाएगा आपको, मैं फुल एक्सीलेटर पे चढ़ रहा हूँ, फिर भी गाड़ी चढ़ नहीं रही क्योंकि पूरी चढ़ाई है भाई, है? इसके बाद अगर कोई रॉन्ग साइड से आ जाए कितना तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या करोगे, यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं रॉन्ग साइड ही जाते हैं, क्योंकि उनको घूम के आना पड़ेगा, हो सकता है टोल प्लाजा भी देना पड़े, हैं? इसके लिए क्या नाम है, वो लोग घूमते नहीं है, सीधा सीधा आने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। आप रॉन्ग साइड जाएंगे वो भी घाट सेक्शन में, तो खतरा होने की संभावना बढ़ ही जाती है। ये देखिए रोड का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जगह जगह पे जाम लगना चालू हो जाता है। ये देखना था, पूरा पहाड़ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखते हैं इसके, ये जो डिवाइडर लगा है, समझ लो यहाँ से कम 1000 फीट नीचे, 1000 फीट नीचे, और हम लोग 1000 फीट ऊपर चल रहे हैं इस समय, और ये करीब 16 किलोमीटर का, 14 से 16 किलोमीटर का घाट है। आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को ताकिश वर्मा ब्लॉग को, चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें मेरे चैनल को। ये देखो झरना, छोटा सा झरना पानी किस तरह पहाड़ से गिरता हुआ। आप देख सकते हैं कसारा घाट का भी, वो देखिए नीचे जमीन है। अभी ये गाड़ी हैवी लोड पे है, तो इससे हमको राइट में निकल जाना है। ये देखिए पूरा पहाड़, इसी के नीचे से अपनी गोदान वोदान जितनी भी है, यूपी यूपी जाने वाली गाड़ी जितनी भी है, गाड़ियां इधर से जाती हैं यूपी बिहार, सब इसके नीचे से पहाड़ को खोद के नीचे रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। हम लोग उसके ऊपर से जाते हैं, रेल नीचे से जाती है। आज मैं पूरे कसारा घाट का वीडियो बना के आप लोगों को डालता हूं, और आप लोग देखिए ये रही मेरी गड्डी, और ये रहे
देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग गुफा पहाड़ों कम से कम अभी हम समझो 1500 फीट ऊपर हो गए। ऐसे करते करते समझ लो 13-14 किलोमीटर ऊंचाई पे चढ़ते हैं, फिर इसके बाद नीचे उतरते हैं। ऐसे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे। गाड़ी का एक्सेलेटर फुल है, लेकिन गाड़ी हमारी गाड़ी खाली है क्योंकि हम जा रहे हैं भरने के लिए। जो गाड़ियां लोड आती हैं वो समझ लो गाड़ी दो नंबर में चढ़ती हैं। अगर लक बाई चांस कहीं उनको ब्रेक लेना पड़े तो उनको एक नंबर स्पेशल गियर जो होता है उसको मारना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये ड्राइवर भाई साहब थोड़ा सा कोई साइड मारे होंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे। ये देखिए अभी अच्छा हुआ हो तो खाई में नहीं गई है, जिधर पहाड़ है उस साइड में है, जिससे बचाव हो गया, नहीं तो बेचारे का क्या हाल होता। ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में भुट्टा उट्टा मिलता है, लेकिन गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है। मेरे तो भुट्टा बहुत मज़ा देता भाई, कसम मालिक के बारिश के समय में अगर नींबू लगा के भुट्टे को खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखो कैसा धुंधलापन हुआ है, ये देखो जैसे ओस गिरी हुई हो उस तरीके से लग रहा है। ये है दोस्तों कसारा घाट, आप तो देखे ही होंगे वो गाड़ी का नज़ारा कैसा हुआ था। वो राइट टर्न था, ध्यान दिए नहीं होंगे अब थोड़ा सा, और राइट में गाड़ी घूम गई। ये कोई गाड़ी नहीं, अभी ये देखिए ये भी इसको भी कोई धक्का मार दिया है। ये भी देखिए अंदर आ गई, इसके लिए बोलते हैं कसारा घाट भाई, बहुत डेंजर घाट है। घाट में गाड़ी सावधानी से चलाएं, असुरक्षित अपने स्थान पे पहुंचे। रात का टाइम रहता है, कोई ड्राइवर थोड़ा सा भी साइड मार दिया तो आप अभी ये देखिए, ये जो बॉर्डर लाइन है उसके नीचे बहुत बड़ी खाई है। ये देख रहे हैं ना बॉर्डर लाइन, आपको ये देखिए कितना मैं ऊपर हूँ, देख सकते हैं आप ज़मीन का स्तर कितना नीचे है और मैं कितना ऊपर हूँ। ये देखो फोर व्हीलर वाले जो हैं, दहेज में मिली हुई गाड़ी है, इनको चलाने मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन 90% ये जो फोर व्हीलर वाले होते हैं इनको कुछ पता ही नहीं ड्राइविंग के बारे में, कुछ इनको पता ही नहीं है। बस ये जानते हैं एक्सीलेटर दबाओ, इसके बाद भगाओ गाड़ी को। यहीं पर जब चढ़ाई पड़ती है ना, चढ़ाई पड़ती है तो इसके बाद ये यहाँ से गाड़ी उठाना पड़ता है, इनका हालत ख़राब हो जाता है, ये उठा ही नहीं पड़ते हैं। गाड़ी आगे जाने की वजह पीछे आने लगती है क्योंकि ये प्लेन रोड पर चलाए रहते हैं, और यहाँ पर जब तगड़ी चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई पड़ती है तब इनका हालत हो जाता है ख़राब। ये देखिए भुट्टे की दुकान, आज मैं स्पेशल वीडियो क्या नाम ये डालने वाला हूँ, ओनली ऑन कसारा घाट का। और दोस्तों बताइए कैसे हैं यार, मेरे चैनल को 2-3 साल हो गया, कुछ बढ़ी नहीं रहा है, या तो हमको आइडिया नहीं पता है या तो क्या दिक्कत है। कुछ लोग होते हैं 6 महीने में एकदम उनका चैनल वो क्या बोलते हैं मोनोटाइज हो जाता है। मैं 1-2 साल हो गए लेकिन अपना कुछ परिवर्तन ही नहीं हो पा रहा है, या तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ। हाँ मेरे को भी लगता है जानकारी का थोड़ा अभाव है। अब कोई ड्राइवर भाई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भाई सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। ये देखो फाइनली दोस्तों हम कसारा घाट लगभग क्रॉस कर चुके हैं। कसारा घाट क्रॉस करने में हमको
कसारा घाट क्रॉस करने में हमको लगभग लगभग 10 मिनट होने जा रहा है। हाय दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ठोकते रहें। टन टन, तो यहाँ से वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आज देखिए हमारे कसारा घाट। टन टन।